कि कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की जो सरकार है इसका एक इंजन फेल हो चुका है। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बिछाया है उस जाल के अंदर नीतीश कुमार जी फंस चुके हैं, और मंत्री वही बनेगा जो नीतीश कुमार का विरोध करने का क्षमता रखता हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश का आम बजट पेश किया है, लेकिन देश का आम बजट आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ, ये बातें लगातार हम आपको अर्थशास्त्रियों द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है इस कोरोना संकट काल में जब देश की आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई थी, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देश बेचने वाला बजट है। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। कल आम बजट आया, आप भी कई सालों से बजट देखते हैं, आम लोगों के लिए जो रिक्शा चलाते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, कहीं के वेतनभोगी होते हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद रहा? देखिए, निश्चित रूप से ये बजट सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ऐतिहासिक बजट है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस बजट में काफ़ी तालियां बजाई। तो हमें ऐसा लगता है कि ये अगर देश बेचने वाले बजट को में ताली बजती है और ताली बजा रहे हैं लोग, तो निश्चित रूप से ये बजट ऐतिहासिक बजट रहा होगा। लेकिन ये देश बेचने का बजट ऐतिहासिक रहा है। अगर हम अपने खेत और खलिहान को बेच दें और कहें कि बिहार में और भारत में और हमारा घर बहुत खुशहाल हो जाएगा, तो हमारा खेत और खलिहान ही जब बिक जाएगा तो हमारे कैसे हम खुशहाल रह सकते हैं। तो भारत का जो कंपनियां थी, जो नवरत्न कंपनियां जिसे कहा जाता था, उसके अलावे बहुत सारे रेलवे को काफ़ी ये माना गया, इन सबों को अगर बेचा जा रहा है, बजट में प्रावधान कर रहे हैं कि हम बेच देंगे, तो कैसे भारत खुशहाल हो सकता है और कैसे ऐतिहासिक बजट हो सकता है? तो कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन कई जगहों पर आ रहा है तो इसका अर्थ यही है कि व्यवस्थाएं जो है पहले से और बेहतर होंगी, लोगों को सुविधाएँ बेहतर मिलेंगी। विपक्ष जो है वो दुर्प्रचार कर रहा है। मैं विपक्ष और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मैं एक जनता, साधारण नागरिक होने के नाते, एक व्यवसायी होने के नाते मैं सीधा कहना प्रश्न खड़ा करता हूं कि अगर हम सब कुछ बेच रहे हैं, मान लीजिए हम कंपनी चलाते हैं तो कंपनी बेच देंगे तो मैं नौकरी कर सकता हूँ कहीं ना? तो देश, अगर देश की कंपनियाँ बिक जाएंगी तो सब लोग प्राइवेट में नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरियाँ तो चली जाएंगी। और सरकारी नौकरी, अगर हमारा रेलवे 5 रुपये पहले प्लेटफॉर्म का टिकट होता था, अगर 2014 की पहले की बात करें, और आज 50 रुपये टिकट का दाम हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 50 रुपये हो गया, और हम कहें कि हम खुशहाल हो गए, ये कौन सा मॉडल खुशहाली का है? ये देशभक्ति का एक नया मॉडल आ गया है कि 2014 के पहले कितने लोग देशद्रोही थे, तो शायद हम कहेंगे कोई देशद्रोही नहीं था। और आज 2014 के बाद ऐसी देश में कौन सी आपात स्थिति आ गई कि रोज दिन सैकड़ों कैसे होते हैं जो देशद्रोही हो गए, फलना देशद्रोही, तो सवाल कीजिए तो देशद्रोही हो जाते हैं। तो बजट तो ऐसा एक सवाल खड़ा कर गया है, अपने पीछे सवाल खड़ा किया है कि सारी कंपनियों को बेचने के बाद कैसे हमारा भारत खुशहाल होगा। सवाल खड़े करें तो अभी देशद्रोही है, निश्चित रूप से हो सकते हैं देशद्रोही, हम लोग ऐसे देशद्रोही बनने को तैयार है। अगर ये सवाल खड़ा करा देशद्रोह का मुकदमा झेलना होगा तो झेल सकते हैं, कोई हमें इससे गुरेज नहीं होगा। ठीक है, इन दिनों हम पॉलिटिकल कॉरिडोर की चर्चा पाते हैं क्योंकि आपकी भी एक पार्टी है, क्या विचार रखते हैं आप? बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नीतीश कुमार कह रहे हैं जल्द हो जाएगा, बीजेपी भी कह रही है जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, करते करते 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, बजट सत्र भी आना है। देखिए, ये आपने बजट के बाद एक नई मुहिम छेड़ दी कि आखिर क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो ये तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री बताएंगे कि क्यों नहीं विस्तार हो रहा है, कि बहुत जल्द हो जाएगा। ये जल्द हो जाएगा कहते हुए लगभग दो महीने से ज़्यादा हो गई, और लगभग 2 महीने से ज़्यादा होने के बाद भी सरकार बैसाखी पर चल रही है, बिना मंत्रिमंडल के एक एक मंत्रियों को 5-5 प्रोफाइल देकर के सरकार चल रही है। तो इसलिए चल रही है कि कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की जो सरकार है इसका एक इंजन फेल हो चुका है। कौन सा इंजन फेल हुआ है? अब ये आपको समझना होगा
कि अगर मुख्यमंत्री वाला ही इंजन अगर फेल हम कह दें कि मुख्यमंत्री का इंजन ही फेल हो गया है और ज़बरदस्ती एक इंजन में खिंचा करके चल रहे हैं, तो वही बात है कि उनका इंजन फेल हो चुका है और एक दूसरे इंजन के सहारे वो चल रहे हैं। छोटी पार्टी होकर के भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, यही बहुत बड़ी बात वो अपने लिए। विस्तार पर नीतीश कुमार ने, हम आखिरी सवाल आपसे इसलिए रहे हैं, नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि बीजेपी की ओर से प्रस्ताव नहीं आ रहा है इसलिए देरी हो रही है। देखिए, प्रस्ताव आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात अगर कर रहे हैं तो मैं जो अभी बता रहा था कि एक इंजन फेल हो चुका है, इसलिए बता रहा था कि अब मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इंजन, जनता दल यू का इंजन फेल हो चुका है और जो भारतीय जनता पार्टी का इंजन है इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जो हमें जो ऐसा लगता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री का विरोध करेगा, जो नीतीश कुमार का विरोधी होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन्हीं को मंत्री बनना होगा और वही मंत्री बनेंगे तभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उम्मीद है कि ये भरोसा है? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बिछाया है उस जाल के अंदर नीतीश कुमार जी फंस चुके हैं और इनका विरोध करने वाले को ही मुख्यमंत्री का तमगा मिलेगा, मंत्री का तमगा मिलेगा और मंत्री वही बनेगा जो नीतीश कुमार का विरोध करने का क्षमता रखता हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अनिल कुमार बड़ी बात कह रहे थे कि जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, यानी कि जो जदयू के सर्वे सर्वा हैं उनका विरोध करेगा उसे ही बीजेपी मंत्री बनाएगी। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी बातें आ रही हैं कि दिल्ली में बैठक चल रही है, लेकिन कब तक बैठक खत्म होगी? बैठक तो खत्म हो चुकी है लेकिन कब तक बैठकों का दौर जारी रहेगा और कब तक कुछ फलाफल निकल के आएगा फिलहाल कह नहीं सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।